एम्पायर ऑटो, जहां पर आप अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हैं या फिर अपनी कार बेच सकते हैं। एम्पायर ऑटो जू पार्क हैदराबाद। साथियों, मैं मोहम्मद रशीद आप तमाम का इंडिया आई में खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की खसूसी रिपोर्ट। साथियों, आप तमाम को इंतजार है बिहार इलेक्शन के रिजल्ट का, और कल सुबह बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, और इसी के चलते AIMIM के बिहार इंचार्ज अख्तरुल ईमान ने हमारे चैनल से बात करते हुए खसूसी बात की। आइए बात करते हैं अख्तरुल ईमान से और नज़र डालते हैं बिहार इलेक्शन पर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, मोहम्मद रशीद हैदराबाद इंडिया आईटी न्यूज चैनल से बात कर रहा हूँ। कल का क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, हमारी अच्छी कामयाबी हो सकती है चंद सीटों पर। हमारी हम तो दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर उम्मीद रखते हैं, लेकिन चंद सीटों पर हमारी नुमाया कामयाबी नजर आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें कामयाबी से हम कनार करे। हम पूरी उम्मीद है कि अगली बार के इलेक्शन में हम बेहतरीन मुजाहरा करेंगे, और आवाम ने जो हमें एतमाद दिया है हम उसकी बुनियाद पर समझते हैं कि हम जरूर कामयाब होंगे। तो ये तो नई सीटें हैं सर, जो किशनगंज ऑलरेडी MIM ने जीती है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, किशनगंज की सीट में असल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में मुफाहमत हो गई है वहाँ पर। अच्छा, तो एक टकराव की कैफियत है, टकराव की कैफियत है, मगर वो है कि हम पुरुमीद है इंशाल्लाह। तो आपका कहना यह है कि MIM पार्टी से डर के ये दोनों पार्टियां एक होकर के छुपा रुस्तम काम करें? हाँ, बहुत सारी जगहों पर। अच्छा, ना सिर्फ किशनगंज बल्कि कई जगहों पे इस तरह से कई जगहों पर इन्होंने किया। तो इसके बावजूद भी 12 सीट की आप उम्मीद रखते हैं? हाँ, इंशाल्लाह हम जी। तो टोटल कितने सीटों पे आप इलेक्शन लड़े थे अख्तर सर? हम 18 सीटों पर लड़े। 18 सीटों पर, तो और इसमें सीमांचल के बारे में आपका क्या रुझान है सर? सीमांचल में बेहतर मुजाहरा करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करीम। तो इंशाल्लाह कल फिर एक बार आपसे बात करते हैं। आज हमारे व्यूवर्स की जानिब से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं।